काफिर हो तो शमशीर पर करता है भरोसा, मोमिन हो तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। जब मोमिन किसी शख्स के सामने खड़ा हो जाए, अगर वो शख्स गैर मजहब है, इस्लाम से दूर है, अल्लाह तबारक व ताला की मोहब्बत और खुदाए बुजुर्गो बरतर के सामने सबमिशन उसके दिल से खाली है, तो वो कभी भी दो मिनट से ज़्यादा इस मुसलमान के सामने खड़ा नहीं हो सकता। और वो दो मिनट भी इसलिए ताकि वो अपना जूता पहने और वहाँ से दौड़ लगा जाए, भाग जाए, दफा हो जाए। प्यारे दोस्तों, मुस्कान नामी इस खातून ने जो अमल किया है, पूरी दुनिया में इस अमल की वजह से उसे सलाम पेश किया जा रहा है। और भारत के सुपरस्टार, मुसलमानों के भारत में एम्बेसडर और भारत की बड़ी से बड़ी सेलिब्रिटी, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू, उसकी आखिरी रसूमात और उसकी ज़िंदगी में उसकी मदद करने वाले शाहरुख खान ने इसके लिए 4 करोड़ रुपए का इनाम किया है। इस वक्त ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया के तमाम हलकों में यह खबर गर्दिश कर रही है। शाहरुख खान ने इस लड़की की जुर्रत को सलाम किया। हिंदुत्व के बड़े बड़े लोग जिनके सामने ये खड़ी हुई और उन लोगों को इसने चिल्ला चिल्ला कर ये बावर करवाया कि ये घटिया गंदी नाड़ी के कीड़े जो हैं वो ज़्यादा देर तक किसी मुसलमान खातून अल्लाह की शेरनी के सामने खड़े नहीं हो सकते। हज़रत खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जोश और वलवला इस औरत ने दिखा कर दुनिया में ये साबित किया कि मुसलमान औरत को कोई शख्स भी पिसा हुआ ना समझे। जब हम नारे तकबीर बुलंद करती हैं तो फिर दुनिया सुनती है। इसको शाहरुख खान ने अपनी तरफ से एक छोटा सा इनाम, एक छोटा सा गिफ्ट, एक छोटी सी इसकी खिदमत में सलामी पेश की 4 करोड़ रुपये की, ताकि ये लड़की अपने इस मिशन को जारी रख सके और इंडिया में मौजूद तमाम मुसलमानों को एम्पावर किया जा सके। प्यारे दोस्तों, इस तरह की खातीन हमारा फख्र है, हमारे सर का ताज है। हमें हमारी बेटियों को यह चाहिए कि ये टिकटॉक पर नाचती गाती जो घटिया औरतें हैं उनको नहीं, बल्कि ऐसी औरतों को, मुस्कान जैसी खातीन को अपनी ज़िंदगी का रोल मॉडल बनाएं। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात हमें हक और सच का साथ देने की तौफीक और हिम्मत अता फरमाए। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।